हर हर महादेव। स्वागत है काशी की इस पवित्र नगरी में, जहां जीवन भक्ति और परंपराएं अनंत काल से बहती आ रही है। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं है, यह हमारी यात्रा है। हम सब यहां एक साथ काशी के इस अद्भुत व अनुभव को महसूस करने आए हैं। हमारी काशी यात्रा की शुरुआत काल भैरव मंदिर से हुई। काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है और मान्यता ये है कि उनके अनुमति के बिना कोई काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद हम पहुंचे दंडपाणि भैरव मंदिर, जहां शिव के इस स्वरूप को काशी का न्यायाधीश माना जाता है। मंदिर के भीतर की शांति और प्रार्थनाओं की गूंज ने मुझे आत्मा की गहराई तक प्रभावित किया। हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था काशी विश्वनाथ मंदिर। यह काशी का दिल है, जहां भगवान शिव को विश्व के स्वामी के स्वरूप में पूजा जाता है। यहाँ के हर कोने में भक्ति और शक्ति का अनुभव होता है। काशी की सुबह गंगा की गोद में शुरू होती है। जैसे ही नाव ने अपनी यात्रा शुरू की, सूरज की पहली किरणें गंगा की लहरों पर पड़ने लगी। ठंडी हवा, हल्की धुंध और पानी की हलचल, यह अनुभव किसी ध्यान की अवस्था से कम नहीं था। यह सुबह सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। ऐसा लगा जैसे गंगा हमें अपने रहस्यों और महिमा की कहानियां सुना रही हो। काशी केवल एक शहर नहीं, यह आत्मा का एक घर है। यहाँ हर कोने में आध्यात्मिकता की गहराई महसूस होती है। लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं भगवान की तलाश में और खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। काशी की दिव्यता आपको हर पल यह याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर के साथ जुड़ने की यात्रा है। काशी में कुल 84 घाट है और हर घाट की अपनी एक कहानी, अपनी एक पवित्रता है। ये घाट न केवल भक्ति के स्थल है बल्कि यह जीवन और मृत्यु के मिलन का प्रतीक भी है। तुलसी घाट संत तुलसीदास के नाम पर है, जहां उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह घाट भक्ति और साहित्य के संगम का प्रतीक है। यहाँ की शांति और गंगा का प्रभाव आपको ध्यान में डुबो देती है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र का अद्भुत मिलन होता है। यह घाट आत्मा के मोक्ष का द्वार है। यहाँ की पवित्र अग्नि कभी नहीं बुझती और ऐसा लगता है कि महादेव स्वयं यहाँ हर आत्मा को तारक मंत्र प्रदान कर रहे हैं। काशी का हर घाट, हर मंदिर और हर गली एक संदेश देता है, शांति और आत्मा का ठहराव। यहाँ आते ही जीवन की दौड़ भाग रुक सी जाती है और ऐसे लगता है कि आप अपनी आत्मा के सबसे करीब पहुंच गए हैं। गंगा की लहरें, मंदिरों की गूंज और चारों ओर का वातावरण आपको अंदर से शांत कर देता है। यह शांति आपको याद दिलाती है कि भक्ति और ध्यान में ही जीवन का असली सुख है। यहाँ हर मंदिर में एक गहरी शांति बसी हुई है। जैसे ही आप इन मंदिरों में कदम रखते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यह ऊर्जा ना केवल आपके मन को शांत करती है बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है।
यहाँ हर प्रार्थना, हर भजन महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। काशी में चंद्रकूप सिद्धेश्वरी मंदिर का एक अनोखा महत्व है। यह प्राचीन कुआं सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और यह व्यक्ति को भगवान के और करीब ले आता है। यहाँ हर घूट एक प्रार्थना की तरह लगता है जो महादेव तक पहुँचता है। काशी की गलियां केवल रास्ते नहीं हैं, ये जीवन की कहानियां हैं। यहाँ हर गली आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। दीवारों पर बनी अद्भुत कलाकृतियां और चित्र काशी की आत्मा को जीवित कर देती है। चलते चलते आपको ऐसे महसूस होता है जैसे कि आप इतिहास के पन्नों में चल रहे हैं। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई अनुभव आपका इंतजार कर रहा होता है। चलिए 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 आगे बढ़िए। काशी के स्वाद और व्यंजन किसी भी यात्रा का सबसे खास हिस्सा होते हैं। यहाँ की गर्मा गर्म जलेबी और समोसे की तीखी चटनी का स्वाद, पूरी सब्जी और चाय की जोड़ी तो यहाँ की पहचान है। और अगर आप बनारसी पान का आनंद नहीं लेते तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। हाय के पान बनारसी वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ये पानी क्या है? खाई और मुंह बंद रख लिए, समझे? यहाँ पे नहीं बोलते, मुंह बंद करना हो पान खा लो, है ना अंकल? घर जाते होंगे आप, आंटी जी वो कुछ नहीं बोलते होंगे, पान खाओ। तू भी ऐसा कर सकता है। शांति ग्रस्त जीवन का सबसे सिंपल उपाय पुरुषों के लिए सीख लो दोस्तों, काम आएगा, काम आ सकता है। बाटी चोखा एक पारंपरिक व्यंजन यहाँ का अनमोल अनुभव है। इसके हर कौर में काशी की मिट्टी का स्वाद है। काशी की चाय की बात ही अलग है। छोटी छोटी दुकानों पर सुकून से बैठकर चाय पीना यह हर बार आपकी थकान मिटा देती है। गंगा आरती काशी की सबसे दिव्य अनुभूतियों में से एक है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह भक्ति और प्रकाश का उत्सव है। जैसे ही मंत्र गूंजते हैं और दीपक जलते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस आरती में शामिल हो गया हो। यह आरती आपको यह महसूस कराती है कि आप ईश्वर की अनंत कृपा के एक छोटे से हिस्सा है। इस यात्रा को खास बनाने वाला था हमारा समूह। हर कोई इस यात्रा में अपनी अनूठी ऊर्जा और अनुभव लेकर आया। हमने साथ में प्रार्थना की, हंसे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और काशी की आत्मा को महसूस किया। यह यात्रा सिर्फ स्थानों का भ्रमण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसने हमें न केवल एक दूसरे के बल्कि ईश्वर से भी जोड़ा। काशी सिर्फ एक स्थान नहीं है, एक अनुभव है
जो आत्मा को छू जाता है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि भक्ति और शांति ही जीवन का असली अर्थ है। अब विदा लेने का समय है, लेकिन यह अनुभव और यहाँ की यादें हमेशा मेरे दिल में जीवित रहेंगे। हर हर महादेव।